तो गाइस फाइनली मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ये गिव अवे बॉक्स। और गाइस इसके अंदर बहुत सारा गिव अवे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे विशाल भाई गिव अवे करो गिव अवे करो गिव अवे करो, तो फाइनली मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ यहाँ पर। तो गाइस इसके अंदर एक गिव अवे नहीं है, दो गिव अवे नहीं है, तीन गिव अवे नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे गिव अवे है हमारे पास। तो इसके अंदर जितने भी गिव अवे मैं आप सभी को देने वाला हूँ, तो लेकिन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको दो गिव अवे करने वाला हूँ, और फिर आगे जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगी उसके अंदर भी मैं आपको गिव अवे करने वाला हूँ। तो अब अपने चैनल पर गिव चलने वाला है। तो गाइज अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ये गिव अवे उन्हीं को मिलेगा जो चैनल के सब्सक्राइबर है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आने वाले गिव अवे की भी। तो यहां पर मैं क्या गिव अवे करने वाला हूं उसके बारे में आपको बता देता हूं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास दो बॉक्स है, और इन दोनों बॉक्स के अंदर है हमारा कन्वर्टर, जिसे मैं यहाँ पर गिव अवे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इनको बाहर निकाल लेते हैं एक एक करके। उसके बाद गाइस इन दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन इन दोनों के फीचर्स है वो अलग अलग है यहाँ पर। तो दोनों में क्या अंतर है मैं पूरा वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, और इसको टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ मैं। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको मज़ा आने वाला। तो पहले वाली की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर आपको दिखता है बिग पावर 200 वाट लिखा हुआ सामने की साइड में। उसके बाद आपको यहाँ पर दो LED लाइट मिल जाती है, जो ऑन ऑफ के लिए आपको इंडिकेट करेगी, और दूसरी वाली आपको इंडिकेट करेगी कि हमारा ओवरलोड हो चुका है। इसके बाद आपको पीछे की बात कर लिया इसके, तो यहाँ पर आपको दो स्लॉट मिल जाते हैं, जिसमें आप 220 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हो 200 वाट तक की। इसके अंदर आप ना सोल्डरिंग आयरन, ग्लू गन, 100 वाट का बल्ब, CFL बल्ब, या फिर LED बल्ब, या फिर अपनी TV भी आप इसमें चला सकते हो, जो मैं आपको आगे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। गाइस इसमें कनेक्शन की बात कर ली जाए, तो आपको यहाँ पर दो वायर मिल जाते हैं पीछे, प्लस और माइनस का, जहाँ पर आप अपनी सोलर प्लेट्स को कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इसमें बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर सोलर प्लेट आप कनेक्ट करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जो हमारे 12 वोल्ट को डायरेक्ट 220 में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पीछे की साइड में एक स्विच मिल जाता है। सो गाइस दूसरे वाले की बात कर ली जाए, तो आपको यहाँ पर थोड़ा एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रंट लुक में आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाता है, जो आपको ऑन ऑफ के लिए काम आएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 LEDs मिल जाएगी आपको, जहाँ पर ऑन ऑफ के लिए और ओवरलोड के लिए और एक रिवर्स करंट के लिए आपको यहाँ पर इंडिकेट करने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको 5.2 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, जो आपको मोबाइल को थोड़ा जल्दी चार्ज करने में काम आने वाला है। सो गाइस इसमें आपको फ्रंट लुक में ये मिलता है। उसके बाद इसमें आपको 220 वोल्ट सप्लाई लेने के लिए यहाँ पर इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देनी होगी, जो आप यहाँ पर सोलर प्लेट से दे सकते हो, या फिर अपनी बैटरी से भी इसमें सप्लाई दे सकते हो। इसके पीछे की बात कर ली जाए गाइस, तो यहाँ पर आपको दो स्लॉट मिल जाते हैं, जहाँ पर आप 220 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हो 200 वाट तक की। गाइस ये भी 200 वाट का ही है, जहाँ पर आप अपनी TV, सोल्डरिंग आयरन, या फिर और भी जो चीज़ें होती है वो चला सकते हो काफ़ी इजी तरीके से। सो गाइस अब यहाँ पर इनको टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये दोनों के दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, बस इसमें एक में कम फीचर्स है और एक में थोड़े ज़्यादा फीचर्स हैं। तो यहाँ पर सप्लाई दोनों में मैं पीछे से लेनी पड़ती है यहाँ पर। तो जो हमारे ज़्यादा फीचर्स वाला है, इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बैटरी से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और गाइस अभी बारिश का सीज़न है, इसलिए मैं आपको सोलर से कनेक्ट नहीं करके दिखाने वाला हूं यहां पर, क्योंकि आपने देखा है मैं जब वीडियो बना रहा था बाहर, तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई थी। सो गाइस यहां पर आप इसमें बाइक की जो बैटरी होती है उससे भी सप्लाई दे सकते हो। और गाइस मैं यहां पर आपको UPS की बैटरी से कनेक्ट करके दिखाने वाला हूं। तो गाइस आप इसमें जो सप्लाई देनी हो आप कैसे भी दे सकते हो, 12 वोल्ट की सप्लाई इसको चाहिए होती है, जहाँ पर आप इसे 220 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हो वापस रिटर्न में। तो गाइस यहाँ पर सप्लाई दे चुका हूँ मैं। इसके बाद अब यहाँ पर आपको मोबाइल चार्ज करके दिखा देता हूँ मैं डायरेक्टली। तो इसमें हमें यहाँ पर डाटा केबल लगानी होगी यहाँ पर, और जो दूसरा वाला है गाइस उसके अंदर आपको एडाप्टर की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि उसके अंदर USB पोर्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑन करेंगे इसको, और ऑन करते से हमारा मोबाइल वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि इसमें एडाप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देख सकते हो हमारा मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। और गाइस इसका जो यूज़ आप कहीं पे भी ले जा सकते हो इसको, जैसे कहीं पिकनिक मनाने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर घर में आपकी लाइट नहीं आती और आपके घर में इतने पैसे नहीं है कि आप इन्वर्टर लगा सकते हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप एक सोलर प्लेट के द्वारा इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई आप शॉप लगा रखे हो आपने छोटी मोटी, जिसमें रात में आपको लाइट की ज़रूरत होती है, तो आप इसमें बैटरी का सप्लाई लगाकर आप इसमें LED बल्ब या फिर कोई भी चीज़ लगा सकते हो।
तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपको एलईडी बल्ब यहाँ पर कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइज एलईडी बल्ब काफ़ी अच्छे से ब्राइट हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद गाइज मैं 100 वाट का बल्ब भी आपको इसमें लगा के दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को आगे भी देखिए, काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। तो गाइज ऐसा नहीं कि हमारे जो एलईडी बल्ब वो काफ़ी मंदा चल रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट यहाँ पर लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक 100 वाट का बल्ब जो होता है हमारा लट्टू जो होता है देसी लट्टू, वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइज देख सकते हो ये भी हमारा काफ़ी अच्छी ब्राइट रोशनी में चल रहा है, क्योंकि गाइज ये जो लट्टू है 100 वाट का है और हमारा जो कन्वर्टर है वो 200 वाट का है। तो इस टाइप के आप यहाँ पर दो लट्टू लगा सकते हो जो भी इसमें आसानी से चल जाएंगे। लेकिन गाइस मेरा सजेशन ये है कि आप इसमें लट्टू मत लगाना, क्योंकि इससे क्या होगा कि बैटरी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप एलईडी का यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मैं अपना जो सोल्डरिंग आयरन है 80 वाट का, जो हमारा 70 वाट का है ये सोल्डरिंग आयरन, ये भी आपको चला के दिखा देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और गाइस ये धीरे धीरे यहाँ पर हमारा हीट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसे लगभग कम से भी कम हमें यहाँ पर 30 से 1 मिनट के लिए छोड़ना होगा, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए यहाँ पर। तो गाइस इसे मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। अब गाइस हमारा हीट हो चुका है यहाँ पर। अब हमारा जो ये सोल्डरिंग वायर को अच्छे से मेल्ट कर रहा है यहाँ पर, देख सकते हो आप। और गाइस ये इसी से चल रहा है बिल्कुल, कोई इसमें मैं अदर सप्लाई नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। जो भी हमारा सोल्डरिंग आयरन चल रहा है इसी से चल रहा है, क्योंकि गाइस 100 वाट का बल्ब हमारा चल सकता है तो हमारा 70 वाट का सोल्डरिंग आयरन क्यों नहीं चल सकता है। तो गाइस इसी टाइप से ये भी वर्क करेगा। तो गाइस सभी को तो हमारा जो कन्वर्टर वो नहीं मिल सकता, क्योंकि दो ही मेरे पास कन्वर्टर है। और जो भी बाकी बचे जो भी हैं हमारी फैमिली के बंदे, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपको ख़रीदना होगा ये, जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इनको ख़रीद सकते हो। काफ़ी अच्छा यूज़फुल चीज़ है गाइस, आप इनको ख़रीदोगे आपके काफ़ी फ़ायदे आएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि यूज़ एंड थ्रो, काफ़ी लंबे समय तक चलेगी गाइस ये। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी गाइस, आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी है। तो गाइस अभी यार देखा आपने, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है यहाँ पर। और गाइस मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा था कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ देता हूँ तो वो आपके डेली रूटीन में काम में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज़ आपको दे दूँगा और आप अटाले में डाल दो, उसको कोई मतलब नहीं मिलेगा उसका। तो गाइस ये जो सोलर कन्वर्टर है आपके काम में आने वाला है। अगर आप मार्केट से सोलर खरीद लीजिए थोड़ा 12 वोल्ट का, और अपने घर के जो डेली रूटीन में काम में आते हैं वो आप इसमें लगा सकते हो। माना कि अभी यार बारिश का सीज़न है तो धूप कम निकलेगी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि बारिश हमेशा के लिए रहेगी। गर्मी भी आएगी, ठंडी भी आएगी, उसमें आपका काम में आने वाला ही है। या फिर आप इसे बैटरी से भी कनेक्ट करके लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया था, बैटरी से भी ये चल जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। और गाइस ये गिवे किसको मिलने वाला हूँ आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको ये गिवे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अपने चैनल की फैमिली है, जो अपने चैनल पे सब्सक्राइबर है, उन्हीं को ये मिलने वाला है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ताकि आपको भी मिल जाएगा और आने वाले गिवे में भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी वीडियो की। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट करना है अपना नाम, अपना डिटेल जो भी आप रहते हो, पोस्टल कोड, अपने मोबाइल नंबर और अपने पापा के नाम पता जो भी हो आप लिख दीजिए इसके अंदर, जो मैं आपको पहुंचा दूंगा। और गाइस इसका जो रिजल्ट है वो आपको नेक्स्ट वाली वीडियोस में मिल जाएगा। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके अलावा, उसमें आपको जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और गाइस आपको ये क्यों चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको जो भी अच्छी कमेंट्स होगा, किसी का अच्छा रीज़न होगा कि मुझे इसलिए चाहिए, तो मैं उसको ये दे दूंगा यहाँ पर। तो मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी। Mr. Darrow.